हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके चैनल पे व्यूज नहीं आते या फिर सब्सक्राइबर नहीं आते। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल अभी नया अभी मान लो ओपन किया है, मतलब नया चैनल क्रिएट किया है, तो उनको ये नहीं पता होता कि कैसे उनके चैनल पे व्यू आए और सब्सक्राइबर आए। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप ये दो सेटिंग कर लें तो बहुत आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद आपके चैनल पे व्यू भी बहुत सारे आएंगे और सब्सक्राइबर भी बहुत सारे आएंगे। तो अगर आप न्यू हैं चाहे आप ओल्ड हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तब भी आपको बहुत फायदा होगा अगर आपके चैनल पे व्यू नहीं आते। तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप देखेंगे बहुत आपको ये फायदा करेगा इस वीडियो से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने चैनल पर कम से कम 2 से 3 वीडियो क्रिएट कर लें, ताकि तभी हम उस पर वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारी वीडियो हैं, इनमें से एक वीडियो को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट वाली वीडियो को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एडिट के साथ में एक ड्रॉप डाउन है, आपको क्या करना है यहाँ इसको सेलेक्ट करना है और लास्ट में आप आएंगे देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा एंड स्क्रीन, आपको एंड स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस एंड स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा और आपको यहाँ से यूज टेम्पलेट ले लेने हैं। ये यूज टेम्पलेट वो होते हैं जो आप पहले से एक वीडियो क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाई और उस पर आपने ये यूज टेम्पलेट लगा लिए, मतलब एंड स्क्रीन, जैसे आपकी वीडियो एंड होगी तो ये ऑटोमेटिक, जैसे आप इस पर एंड स्क्रीन लगा लेंगे तो जैसे कोई भी सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देख रहा होगा तो ये क्या करेगा, आखिरी में आपकी वीडियो जो अपने एंड स्क्रीन पर लगाए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपके चैनल दूसरी वीडियो पे ना जाके वहीं से क्लिक करके आपके वीडियो को, दूसरी वाली वीडियो को देख सकता है, जिससे आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यू भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी आप टेम्पलेट ले सकते हैं, यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर का प्रमोट करेगा और यहाँ पर आपके सिर्फ वीडियो वीडियो प्रमोट करेगा। तो आप यहाँ से 4 आप टेम्पलेट लगा सकते हैं, मतलब आपके 4 वीडियो आपके एंड स्क्रीन पर दिखेंगी, ठीक है। कहीं पर आपका देखो चैनल का लोगो अगर आपने लगा रखा तो लोगो प्लस आपकी वीडियो भी आएंगी। तो ये लगाने के बाद आप देखेंगे 1 से 2 दिन में आपके बाकी जो वीडियो है जिन पे व्यू नहीं आ रहे हैं उन वीडियो पर भी व्यू अच्छे आ जाएंगे। तो ये ऐसी फर्स्ट ट्रिक ऐसी थी जिससे आपको बहुत आपको फायदा करेगा, आप इसको करेंगे तो आप खुद खुद ही देखेंगे कुछ समय के बाद आपके चैनल पे अच्छे व्यू और अच्छे सब्सक्राइबर आएंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी सेकेंड ट्रिक से। सेकेंड ट्रिक, अगर आपके पास कोई मतलब फोन है जिसमें एंड्रॉयड फोन है, जो आप जिसमें आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं उसके जरिए आप उसको कर सकते हैं। तो आपको मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फोन में और वहां पर आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसे आपको देने नहीं है। तो हम चलते हैं अपने फोन में और वहां पर आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जैसे ही आप जाएंगे आपको जाना है प्ले स्टोर में, मैं चलता हूँ अपने प्ले स्टोर में और यहां पे मैं टाइप करता हूं वीडियो प्रमोटर, अब मेरे को नहीं लेना, मेरे को लेना है अपना चैनल प्रमोटर, ठीक है। मैंने चैनल प्रमोटर यहां पर लिखा और देखिए फर्स्ट वाला जो आ रहा है मुझे इसी को सेलेक्ट करना है, चैनल प्रमोटर 2, इसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा। इसमें से 1 से 2 मिनट लगते हैं, जैसे आपके नेट की स्पीड है उस पर ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। ये बहुत ही इजी तरीका है, बिना पैसे लगाए अपने चैनल पे अपनी वीडियो पे अच्छा व्यू गेन कर सकते हैं। अब मेरी एप्लीकेशन हो गई इंस्टॉल, अब यहां पर मैं इसे करूंगा ओपन। तो इस एप्लीकेशन इंस्टॉल करते ही आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको साइन अप करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ साइन अप करूंगा, जो भी आपकी मेल आईडी है उससे क्या करेगा वो लिंकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे जितने भी चैनल हैं वो सारे आ गए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा जो मेरे चैनल की आईडी है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा और उससे मेरा रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, इसको वेटिंग पे देगा क्योंकि ये आपके चैनल को सर्च कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीजें मांगेगा, आपको क्या करना है सिर्फ उसको आगे तक बढ़ाना, फिर इसको गो इट पे करेंगे आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ऑलरेडी यहाँ पर चैनल रजिस्टर है, ठीक है।
अगर मैं अगर आपका चैनल रजिस्टर नहीं, तो आपको यहाँ ये प्लस पॉइंट देख रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड चैनल कर देंगे। ऐड चैनल जैसे आप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर चैनल का यू आर एल मांगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे और यहाँ पे अपने चैनल का नाम सर्च करना है। मैं यहाँ लग देता हूँ स्मार्ट एक्सेल नॉलेज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरा चैनल आ गया स्मार्ट एक्सेल एंड नॉलेज। तो मैं यहाँ देख रहे होंगे यहाँ साइड में इसका जो मेरा शेयर का है लिंक, इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉपी लिंक पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसको करूंगा तो मैं वापस अपने यहाँ आऊंगा और ये यूआरएल जो मैंने कॉपी किया यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा, इसको नेक्स्ट करूंगा उसके बाद में। तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पर चैनल आ गया, मैं इसको अलाउ करूंगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज आपको चूज करनी कि आपकी कौन सी लैंग्वेज, मेरी हिंदी है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। कैटेगरी आपकी किस कैटेगरी की आपकी वीडियो है, तो मेरी एजुकेशन की है, मैं इसको फिनिश कर दूंगा। तो यहाँ आ रहा है एरर, एरर दिस चैनल ऑलरेडी हैज बीन रजिस्टर्ड इन अवर सिस्टम। मतलब मैंने इस चैनल को पहले ही इसमें कर रखा है, ऐड कर रखा है, इसलिए ये नहीं मांग रहा। आपको क्या करना है, अगर एक बार आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं तो दोबारा ये नहीं होगा। अगर आप अपने फोन से वो एप्लीकेशन डिलीट भी कर देते हैं तब भी वो आपका ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है, वो आपके चैनल पे व्यू एंड सब्सक्राइबर ऑटोमेटिक आते रहेंगे। तो ये ऐसी दो ट्रिक थी जिससे आपके चैनल अच्छा ग्रो होगा कुछ ही समय के बाद। आप खुद ही देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर गेन होते हैं और ऑटोमेटिक व्यूज आते हैं। तो आप इसको जल्दी से इन दोनों को कर लीजिए ऐड, और हमारे चैनल को फटाफट कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी आप अच्छी सी ट्रिक लेके आता हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।